नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों चारों तरफ राम मंदिर की धूम है, लेकिन बॉलीवुड में सन्नाटा छाया हुआ है। बड़े बड़े सुपरस्टार को अभी तक राम मंदिर का निमंत्रण नहीं मिला, जिसके कारण अब नाराजगी दिखने लगी है। बॉलीवुड सुपरस्टार्स की बात करें तो उसमें किंग खान, शाहरुख खान का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन उन्हें अभी तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला है। बॉलीवुड के जाने माने स्टार सलमान खान को भी अभी तक राम मंदिर के लिए न्योता नहीं भेजा गया है। इसकी बड़ी वजह उनकी हाई सिक्योरिटी मानी जा रही है, उन्हें उद्घाटन का निमंत्रण नहीं आया। आमिर खान फिल्मी जगत के बड़े सितारों में गिने जाते हैं और उन्हें अभी तक उद्घाटन का न्योता नहीं मिला है। आमिर खान बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्हें समाज सेवा के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें अभी तक न्योता नहीं दिया गया। इसे लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आमिर खान के फैंस बेहद नाराज हैं। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी राम मंदिर की गेस्ट लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। उन्हें भी श्री राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता नहीं मिला। दीपिका पादुकोण के पति और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रणवीर सिंह को भी राम मंदिर की तरफ से अभी तक बुलावा नहीं आया है। हालांकि कुछ सोर्सेज का मानना है कि उन्हें न्योता मिल चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके बारे में किसी को खबर नहीं बताई। फिल्मी दुनिया के जाने माने निर्देशक करण जौहर को अभी तक राम मंदिर का न्योता नहीं दिया गया, उन्हें इस कार्यक्रम का हिस्सा अभी तक नहीं बनाया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना के भी अभी तक श्री राम मंदिर न्योते का इंतजार कर रही है, अभी तक उन्हें श्री राम मंदिर के उद्घाटन के लिए न्योता नहीं भेजा गया है। पटौदी खानदान के नवाब और जाने माने एक्टर सैफ अली खान भी शायद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें अभी तक इनविटेशन नहीं भेजा गया। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस करीना कपूर खान को अभी तक राम मंदिर उद्घाटन के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया है। राम मंदिर का न्योता ना पाने की लिस्ट में सुपरस्टार संजय दत्त का नाम भी शामिल है, अभी तक उन्हें बुलाया नहीं गया है। वहीं इस भव्य आयोजन के लिए कई बड़े सितारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। फिल्मी सितारों से लेकर कई क्रिकेट जगत, बिजनेस जगत के लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और कंगना रनौत जैसे सेलिब्रिटीज शामिल होने वाले हैं। इनके अलावा साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी, मोहनलाल, सुपरस्टार रजनीकांत, प्रभास, रामचरण, यश, धनुष और ऋषभ सेठी जैसी हस्तियों से लेकर अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सितारों तक को भी इनवाइट किया गया है। हाल ही में पता चला कि आरआरआर स्टार जूनियर एनटीआर को भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन अपनी अगली फिल्म देवारा की व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के कारण एक्टर को इस कार्यक्रम को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने नहीं खाया अन्न का एक भी दाना, पी रहे हैं सिर्फ नारियल पानी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर रहे कड़ी तपस्या। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 दिनों से अन्न भी त्याग रखा है। मोदी इस दौरान अनुष्ठान के कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसके तहत वे फर्श पर केवल एक कंबल बिछाकर उसके ऊपर सो रहे हैं और डाइट में सिर्फ एक नारियल पानी पी रहे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का भी प्रतीक होगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक राजनेता, मशहूर हस्तियां, उद्योगपति, संत समेत 7000 से ज्यादा लोग समारोह में शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा, राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर निर्माण कार्य सेवकों के दान से हो रहा है। न केंद्र की सरकार ने, न राज्य की सरकार ने मंदिर के किसी काम में सरकार ने पैसे नहीं दिए। यह सारा पैसा राम भक्तों ने देश भर से दिया है, दुनिया भर से दिया है। एक एक पाई का हिसाब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देगा। सीएम ने बताया, मंदिर परिसर के बाहर वहां के सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, पार्किंग या गेस्ट हाउस बनाने का काम सरकार कर रही है और सरकार अपने दायरे के काम कर रही है। अंदर का काम राम भक्तों के पैसे से हो रहा है। इसी बीच शंकराचार्यों के बयानों ने प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह करना सही नहीं होगा।
क्योंकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी आपत्तियों पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं। सीएम योगी ने आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा, तीर्थ क्षेत्र ने हर धर्माचार्यों को आमंत्रण भेजा है। मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय का नहीं है, मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, सामान्य नागरिक हो या इस देश का बड़े से बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं। हम सब राम पर आश्रित है, राम हम पर आश्रित नहीं। वहीं सनातन धर्म के खिलाफ आग उगलने वाले डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके साथ ही उदयनिधि ने यह साफ कर दिया कि डीएमके राम मंदिर का उद्घाटन बहिष्कार करने जा रही है। उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, जैसा कि हमारे नेता ने कहा था कि धर्म और राजनीति को न मिलाए, हम किसी भी मंदिर निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उस स्थान बाबरी पर मंदिर बनाने का समर्थन नहीं करते जहां एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। बीते साल उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और कोरोना वायरस से की थी। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह है, जिसका महज विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था। बीजेपी ने डीएमके पर जमकर प्रहार किया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा था कि डीएमके नेता देश की 80% हिंदू आबादी के खात्मे की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।